पटना एयरपोर्ट से उड़ान भरने और उतरने वाले विमानों का नया शेड्यूल जारी हो चुका है। अब 110 विमान पटना एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगे और उतरेंगे भी। विमानों की आवाजाही का यह शेड्यूल 30 अक्टूबर तक ही प्रभावी रहेगा। उसके बाद कोहरे की स्थिति को देखते हुए इसमें संशोधन भी हो सकता है। मिली सूचना के अनुसार इस शेड्यूल में कुछ 6 जोड़ी विमान बढ़ाए गए। साथ ही वहीं एयर इंडिया ने बेंगलुरु रूट पर विमान सेवा बंद कर दी है। अब देख लेते हैं कि आखिरकार नया शेड्यूल क्या क्या है। 23 अक्टूबर से इंडिगो की हैदराबाद और बेंगलुरु के लिए एक एक नई उड़ान सेवा शुरू होगी। कोरोना के बाद पहली बार पटना एयरपोर्ट से आधी रात को भी विमान उड़ेंगे। 24 अक्टूबर से इंडिगो की ही मुंबई की रात वाली विमान सेवा शुरू हो रही है। यह रात 12:35 पर मुंबई के लिए उड़ान भरेगी। दिल्ली बेंगलुरु अमृतसर रूट पर नए विमान दिए गए हैं। ताजा सूची के अनुसार गो एयर ने दिल्ली रूट पर एक विमान, विस्तारा ने बेंगलुरु रूट पर एक और स्पाइस जेट ने अमृतसर रूट पर एक नई फ्लाइट शुरू की है। पटना में अभी पहली फ्लाइट गो एयर की है जो सुबह 7:35 पर दिल्ली के लिए है। पहले दिल्ली के लिए 8:30 पर पहली फ्लाइट थी। नए शेड्यूल में दिल्ली के लिए आखिरी फ्लाइट रात 9:30 पर होगी। अब देख लेते हैं कि नए शेड्यूल में कहां के लिए कितनी उड़ानें हैं। तो दिल्ली के लिए 18, बेंगलुरु के लिए 8, मुंबई के लिए 7, कोलकाता के लिए 5, अहमदाबाद, हैदराबाद और अमृतसर के लिए 3, पुणे, चेन्नई, गुवाहाटी के लिए 2, रांची और लखनऊ के लिए एक एक फ्लाइट शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, द गरम पोस्ट।